लेकिन इस बार अगर Asus को Redmi Note 7 Pro से कंपटीशन करना है तो Zenfone Max Pro M3 में हमें ग्लास बैक देना होगा और वो भी ग्रेडियंट फिनिश के साथ। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है Asus Zenfone Max Pro M3 से, हमें प्लास्टिक का बैक मिलना चाहिए या फिर ग्लास बैक मिलना चाहिए, जरूर बताना आपकी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें डिस्प्ले की तो इस बार Asus को Zenfone Max Pro M3 के डिस्प्ले को लेकर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए पिछले स्मार्टफोन के मुकाबले में। Asus को इस फोन में कम से कम AMOLED डिस्प्ले देनी चाहिए, क्योंकि ये जो AMOLED डिस्प्ले होती है उसके अंदर जो कलर दिखाई देते हैं वो नेचुरल होते हैं और एक्चुअल कलर नजर आते हैं, जिसकी वजह से AMOLED डिस्प्ले काफी आगे निकल जाती है कंपेयर टू IPS डिस्प्ले। बाकी दोस्तों आप बताइए डिस्प्ले को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है Asus Zenfone Max Pro M3 से। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, जो किसी भी स्मार्टफोन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको याद होगा Redmi Note 7 Pro में हमें Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर मिड रेंज प्राइस पॉइंट पर काफी कमाल का प्रोसेसर है, तो एटलीस्ट Asus को Zenfone Max Pro M3 में Qualcomm Snapdragon 675 लेवल का प्रोसेसर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमें इस फोन में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। वहीं अगर हम बात करें कैमरा डिपार्टमेंट की तो हमें Asus Zenfone Max Pro M3 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं चाहिए Redmi Note 7 Pro की तरह, हमें इस फोन में ऐसा कैमरा चाहिए जो 48 मेगापिक्सल के कैमरा को टक्कर दे पाए। बाकी दोस्तों आप बताइए Asus को Zenfone Max Pro M3 में कैसा कैमरा देना चाहिए जिसकी वजह से Redmi Note 7 Pro से कंपटीशन किया जा सके। अगर हम बात करें बैटरी कैपेसिटी की तो Asus का बैटरी डिपार्टमेंट में भी बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। Asus Zenfone Max Pro M1 और Asus Zenfone Max Pro M2 दोनों ही स्मार्टफोन में हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिली थी, लेकिन सैडली 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया था। तो Asus को इस बार Zenfone Max Pro M3 में 5000 mAh की बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देना चाहिए और फास्ट चार्जर का एडेप्टर भी देना चाहिए, जिसकी वजह से हम फोन को कम टाइम में फास्ट चार्ज कर पाए। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो नो डाउट हमें इस फोन में लेटेस्ट एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड पाई देखने को मिलेगा, लेकिन Asus को यूजर इंटरफेस के मामले में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जैसे कि MIUI 10 है तो उसके लेवल का कोई Zen UI देना चाहिए, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन करने के लिए ऑप्शन मिल जाए। जैसे कि हमें Asus Zenfone 5Z में Zen UI 5 देखने को मिला था, वो काफी स्मूथ था और फास्ट था, तो कुछ इस तरह का UI हमें देना चाहिए Asus Zenfone Max Pro M3 में। बाकी दोस्तों आप बताइए Asus को Zenfone Max Pro M3 में स्टॉक एंड्रॉइड देना चाहिए या फिर Zen UI 5 जो हमें Asus Zenfone 5Z में देखने को मिला था। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग को लेकर Asus का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। Asus अपने स्मार्टफोन को बहुत ही अच्छे प्राइस टैग के साथ लॉन्च करता है, फिर चाहे Zenfone 5Z हो या फिर Zenfone Max Pro M2 हो। तो हमें उम्मीद है Asus Zenfone Max Pro M3 में हमें बेटर स्पेसिफिकेशन के साथ अच्छी प्राइसिंग भी देखने को मिलेगी, जिसे हम कंपेयर कर पाए Redmi Note 7 Pro से। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है Asus Zenfone Max Pro M3 से, जरूर बताना आपकी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपकी जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है।